हाय फ्रेंड्स, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग का एक फिगर बना के दिखाया था। तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग में हमें स्नैप का ध्यान रखना होता है, अगर हम आइसो सर्किल ड्रॉ करते हैं तो मैंने पहले भी बताया था, अगर आप आइसोमेट्रिक ड्राइंग ड्रॉ कर रहे हैं तो सेटिंग में जाके आप स्नैप चेंज कर लेंगे। ये स्नैप एंड ग्रिड है, यहाँ पर रेक्टेंगुलर स्नैप लगा होता है, यहाँ पे आप आइसोमेट्रिक स्नैप लगा लेंगे। तो इस तरह से ये आपका आइसोमेट्रिक स्नैप होता है, बन गया। तो ये आइसोमेट्रिक स्नैप का जो है, इसका प्लेन जो है वो हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो है सरफेस के मिलना चाहिए, तो ये ध्यान में रखना होता है। जैसे कि अभी ये मैंने यहाँ पे ये एक्स और वाई एक्सिस है, तो इसका भी एक्स वाई एक्सिस जो है इसके सेम मिलना चाहिए। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं कंट्रोल F5 से, या F5 प्रेस करके हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो इसका जो है यूज़ हम लोग इस स्नैप का आइसोमेट्रिक ड्राइंग में यूज़ करते हैं। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको एक फिगर ड्रॉ करके बताया था, तो आज मैं एक फिगर और ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि कैसे आपको उसमें आइसो सर्किल का भी यूज़ करना है। उसके बाद एक ये फिगर आपका लैडर है, तो ये आप ड्रॉ कर सकते हैं। आसान फिगर है, ये भी इजी है। तो इसको मैं इसमें थोड़ा ये आइसो सर्किल यूज़ किया गया है, तो इसमें जो है आइसोमेट्रिक स्नैप का कैसे यूज़ करना है ये पता चलेगा हमें इसमें। तो ये फिगर मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ये बॉक्स बना हुआ है, क्यूबिक बॉक्स बना हुआ है। ये डिस्टेंस 60 है और ये डिस्टेंस जो है आपका 50 है। तो मैंने पहले ही बोला था कि ये दो मेथड से आप बना सकते हैं, कोऑर्डिनेट मेथड और इस तरह माउस के थ्रू भी बना सकते हैं आप। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, पॉली लाइन ले लेते हैं। ये लाइन हमारी 60 है। ये हमारा 60 डिस्टेंस की लाइन हो गई और ये वाली लाइन जो है 50 है, तो ये 50 हो जाएगी। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि पोलर ऑन करेंगे तो हमें एंगल शो होगा, तभी हम लाइन की डिस्टेंस देंगे। ये देखिए यहाँ पे भी एंगल मेंशन हो रहा, ये भी लाइन जो है 60 है और ये इस तरह से मिला देंगे। यहाँ पे जो ये सब ऊपर की जो ऊपर सरफेस जो है वो पूरा 50 का है, ये चारों लाइन 50 डिस्टेंस देना है और ये लाइन जो है हमारी 60 है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये चारों लाइन जो है 50 है, ये बॉक्स जो बना हुआ है ऊपर वाला, उसकी डिस्टेंस हमें 50 देनी है। यहाँ पे मैंने ये जो चारों लाइन जो है रेक्टेंगल की, ये डिस्टेंस मैंने 50 दे दिया और ये 60, और इस तरह से इसे मिला देंगे। इस तरह से लाइन मिला देने के बाद इसमें देखिए ये बीच में आइसो सर्किल यूज़ हुआ है और इधर
क्रॉस लाइन लेना है हमें, रिपीट पॉली लाइन। यहाँ पे आएंगे तो आपको मिड पॉइंट शो करेगा, उसको ऐसे मिला देना है मिड पॉइंट से। रिपीट पॉली लाइन, इस तरह से सारे मिड पॉइंट जो है हम लोग मिला लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें आइजो सर्कल यूज़ करना है, जिसका रेडियस हमें दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 30, डायमीटर 30 दे रखा है, तो रेडियस 15 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एलिप्स में जाएंगे। एलिप्स में जाने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्सिस एंड एंड पे क्लिक करना, उसके बाद राइट क्लिक करके हमें आइजो सर्किल सेट करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो ऊपर वाला सरफेस है वो आइजोमेट्रिक स्नैप के ठीक हॉरिजेंटल भी सेम है और वर्टिकल भी सेम है। इस तरह से आप इस वो F5 प्रेस करके आप चेंज भी कर सकते हैं। ये देखिए ये अभी नहीं मिला हुआ है, अब ये मिला हुआ है। तो इस तरह से हम मिड पॉइंट से इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ये ठीक सेम सरफेस जैसा है ऊपर वाला, वैसे ही हमारा आइसोमेट्रिक स्नैप है। इसकी रेडियस जो है डायमीटर 30 है, मैं यहाँ पे 30 दे देता हूँ, सॉरी रेडियस देना है। मैंने आइजो सर्किल, उसके बाद स्नैप को आइसोमेट्रिक स्नैप को सरफेस से मिलाएंगे। ये मिल गया, ये इस तरह से बन गया। रिपीट इलिप्स, उसके बाद आइजो सर्किल, इसके मिड पॉइंट पे ले जाएंगे, क्लिक मिड पॉइंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद स्नैप चेंज कर लेंगे, इस डायरेक्शन चेंज कर लेंगे हम लोग स्नैप का। ये हो गया रिपीट इलिप्स, राइट क्लिक एज ओ सर्किल। ये इसका मिड पॉइंट, F5 प्रेस करके इस तरह से हमारा बॉक्स तैयार हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट फिगर ये है, अगर कोई आइसोमेट्रिक ड्राइंग में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।